स्कंद का जो अंतिम भाग बहुत ही कठिन है इसको समझना और समझाना। और ये जो भाग है चंदूदीप का वर्णन, उसके आगे और सुंदर सा वर्णन होगा, ये एक प्रकार से हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेता है कितना आपको विश्वास है ग्रंथों में, पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी में। तो पूरा टेस्ट हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, सोने का पहाड़ और उसका जो आधार है वो कम है, उसका जो ऊपर का भाग है वो ज़्यादा चौड़ा है, तिकोने रूप में है और रेत से सोना निकल रहा है, क्या क्या हो रहा है, दूध के सागर हैं, मदिरा के सागर हैं, है ना। तो बहुत ही विचित्र विचित्र बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन यही बताया जा रहा है कि ये प्रमाणिक वैदिक स्रोतों द्वारा उपलब्ध है। और ये तो बोले अभी कुछ संक्षेप में बताया जा रहा है, अभी तो विस्तार पता नहीं क्या होगा। तो इससे मालूम चलता है कि हमारी वैदिक संस्कृति कितनी महान है। और बड़ी विचित्र बात है कि परीक्षित महाराज आप बिल्कुल मृत्यु की कगार पे हैं, अब पांचवा स्कंद है तो लगभग 3 दिन तो बीत चुके होंगे, 3 साढ़े 3 बीत गए होंगे, और फिर भी वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए ब्रह्मांड के बारे में। और श्रीमद् भागवतम में इसको अमल पुराण बताया जाता है, प्रेम उपमार्थ महान, ये हमें बताते कि जीवन का लक्ष्य प्रेम है। तो कोई पूछ सकता है क्या आवश्यकता है इतना सब जाने की, मैंने जम्बू द्वीप है, ये द्वीप है, ये वर्ष है, यहाँ होता है, क्या जरूरत है ये सब जानने की। तो लेकिन बहुत जरूरी है, परीक्षित महाराज इतनी अर्जेंसी है, उनको शरीर त्यागने वाले हैं, फिर भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें से कौन व्यक्ति होगा जिसको थोड़ा सा भी उसको लगे ये अभी शरीर छोड़ने वाला, पूछे मुझे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बताओ क्या कोई सोचेगा ही नहीं, इस तरफ ध्यान में नहीं जाएगा, लेकिन जा रहा है ध्यान। और देखिए परीक्षित महाराज इससे पहले पहले श्लोक में उन्हें कहा था कि आपने मुझे पहले ही बता दिया हे ब्राह्मण कि भूमंडल की त्रिज्या वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुंचती है, तो पहले कब बताया था? इससे पहले तो प्रियव्रत महाराज के वंशावली का वर्णन हो रहा था, और फिर जड़ भरत, राजा भरत, और फिर ऋषभ देव जी का, फिर प्रियव्रत जी का चरित्र। तो हम देखेंगे पहले अध्याय का जिसमें राजा प्रियव्रत का चरित्र है, उसके 31 नंबर श्लोक में राजा प्रियव्रत के कारनामों को की व्याख्या करते हुए सुखदेव स्वामी ने बताया था कि जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हांका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। और 32 नंबर श्लोक में बताते हैं 7 द्वीपों के नाम है जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले द्वीप से आकार में दुगना है, वो एक तरल पदार्थ से गिरा है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। ये कह के वो आगे बढ़ते गए, और ये पहले अध्याय की बात है। अब 16वें अध्याय में आके उसको रेफर करते हुए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। हम सब तो भूल गए होंगे कि हमारे लिए पहला अध्याय हुआ होगा लगभग 1 साल पहले तो हम तो भूल गए, लेकिन परीक्षित महाराज को पूरा याद था कि आपने वो जो वर्णन किया था कि प्रियव्रत महाराज के रथ से 7 द्वीप बने थे, 7 सागर थे, उसके बारे में बताइए। आपने केवल नाम मेंशन किए थे, मुझे बताइए वो ब्रह्मांड कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उसका माप है। तो ये देखिए कितनी उनके अंदर उत्सुकता थी। और हम देखेंगे कि जानना वास्तव में हमारे लिए भी आवश्यक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि भगवत्ता के 2 मुख्य पहलू हैं, एक है ऐश्वर्य और दूसरा है माधुर्य। और माधुर्य का हम सही ढंग से आस्वादन तब कर पाएंगे जब हम भगवान के ऐश्वर्य को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तभी भागवतम के पहले 9 स्कंदों में भगवान की महिमा का गुणगान है, भगवान के अलग अलग अवतारों का महिमा का गुणगान है, ताकि हम जान पाएं कि भगवान कितने महान हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अक्सर लोग ये बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, बट हाउ मच ग्रेट, ये तब मालूम चलेगा जब उनकी महिमा के बारे में जान पाएंगे। और जब हम उनकी विभूतियों को अप्रिशिएट करेंगे, उनकी विभूतियों के प्रति कुछ प्रशंसा उत्पन्न करेंगे हृदय में, तब जब हम 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे तो उनकी माधुर्य, उनकी भक्त वत्सलता हमें और हृदय को छुएगी। जैसे भी इस संसार में हम देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानी जी हैं, बिरला जी हैं, टाटा जी हैं, तो उनका जो बिजनेस है इतना फैला हुआ है, तो पहले हम उनकी विभूतियों से आकर्षित होते हैं, फिर जब उनकी विभूतियों से आकर्षित होते हैं फिर जानना चाहेंगे
कि अंबानी जी घर में क्या करते हैं, कितना बड़ा घर है, कितने पर्सनल प्लेन्स हैं, क्या है, तब बाद में मालूम चलता है। पहले उनकी विभूतियाँ देखकर हम उनसे आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से जैसे इस साल के प्रारंभ में हमने बड़ी गीता का उद्घाटन किया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो कैसे आए थे, याद है किसी को? मेट्रो में बैठ के आए थे। तो बहुत बड़ी बात हो गई कि प्रधानमंत्री स्वयं मेट्रो में बैठ के आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी एक साधारण व्यक्ति की तरह मेट्रो में बैठ के आ रहे हैं। तो एक साधारण व्यक्ति मेट्रो में बैठ के आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीडिया ने कवर किया जी प्रधानमंत्री मेट्रो में आ रहे हैं, तो बड़ी बात है। तो इसी ढंग से जब भगवान देखते हैं कि भगवान की इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, इतना ऐश्वर्य है, और वही त्रिलोकीनाथ परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ की रस्सियों से बन जाते हैं, माखन चुरा रहे हैं, ग्वाल बालों ने हरा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर उसकी मधुरता का हम आस्वादन कर सकते हैं। ऐसे कोई साधारण बालक आपस में खेल रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसे किसी माँ ने बच्चे को बांध दिया तो कौन सी बड़ी बात है, रोना धोना चलता रहता है घर घर में, लेकिन भगवान को बांधा जा रहा है, ऐसे भगवान को जिनकी ऐसी विभूतियाँ हैं, तो बहुत बड़ी बात रहती है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि जब दामोदर अष्टकम की पहली लाइनें बोलते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, तो पहले ही वाक्य से बता देते हैं कि इस लीला को साधारण मत समझना। नमामि ईश्वरम, पहले नमन करो, ये ईश्वर हैं, वो साधारण ईश्वर सच्चिदानंद रूपम, ये मत समझ लेना कि 3 साल का बच्चा है, इसको रस्सियों से बांधा गया, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़े ईश्वर है, परमेश्वर है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि हम आर्च विग्रहों की पूजा राधा कृष्ण की लक्ष्मी नारायण के भाव में करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भगवान बंसरी पकड़ के खड़े हैं, हम उनके सर पे मोर पंख लगाते हैं, हम उनको देखते हैं एक श्याम सुंदर वृंदावनवासी के रूप में, और कई बार देखते देखते हम भी बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि इनका ऐश्वर्य क्या है। इसलिए इन ऐश्वर्य का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम जान सकें कि भगवान हम पे कृपा करने के लिए यही जिनका इतना ऐश्वर्य हमारे सामने एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, हम इनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो कि हमारी पहुंच से बिल्कुल परे अधोक्षज है, लेकिन फिर भी हमारे सामने प्रकट हुए हैं। जिनकी शक्तियों को हम नहीं समझ पाएंगे, उनको कैसे समझ पाएंगे? तो ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है, कितनी महानता है, तो हम ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो एक कारण ये है कि इसलिए हम इन भगवान की विभूतियों को समझने का प्रयास करें, और दूसरा, जब हम भगवान के इस भौतिक प्रकृति के इतने विस्तार को समझते हैं, देखते हैं कितना ही विस्तारित है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में क्या क्या घटना हो रही किसी को कुछ पता भी नहीं, तो ये बातें हमें विनम्र बनाती हैं। आधुनिक शिक्षा ग्रहण करके हम सबके अंदर, एक जीव के अंदर, भोगने का और कर्ता होने का एक भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जम्बू द्वीप, सुमेरु पर्वत और पता नहीं क्या क्या, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो फिर मालूम चलता है कि हम कितने तुच्छ हैं। वास्तव में आत्म साक्षात्कार का अर्थ यही है कि हम जाने कि भगवान महान से भी महानतम से भी महान है, और एक जीव तुच्छ से भी तुच्छ है। इस ग्रेस रविंद्र स्वरूप प्रभु अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब प्रारंभिक वर्षों में शिला प्रभुपाद कहते थे कि तृणादपि सुनिचे अंतरोरपि सुष्णुना, अपने आप को तृण से भी नीचे मानो और फिर आप इस भाव से हरि नाम का जप करो, तो कहते मैं समझ नहीं पाता था कैसे कोई अपने आप को तृण से नीचे मान सकता है, संभव ही नहीं है, कहने की बातें, मेरा आकार 6 फिट का, तृण छोटा सा, मैं कैसे मानूं अपने आप कि मैं तृण से भी नीचे हूँ। लेकिन जब मैंने पढ़ा वैदिक शास्त्रों में कि आत्मा का असली जो आकार है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, बोले ये तो तृण से बहुत नीचे है। तो ये बात हमें याद रखें हमेशा। तो ये जो बात है कि ये इतनी विभूतियाँ हम देखेंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमें, और ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आयु मिलने पर भी समझ में नहीं आएगा, तो भागवतम की एक क्लास में तो भूल ही जाओ, समझ में आएगा और ना ही कोई कोशिश कर सकता है समझाने की, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने इतनी पुस्तकें इसलिए लिखी हैं कि उन सबको पढ़कर हम समझ पाएं कि हम कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई जितना पढ़ेंगे उतना मालूम चलेगा कि भगवान कितने महान हैं, हमारी समझ से बिल्कुल परे, बिल्कुल परे। तो यहाँ पर मुख्यतः प्रभुपाद ने तात्पर्यों में 3 विषयों पर चर्चा की है। पहला ये कि भगवान का जो भौतिक जगत है ये अनंत है और इसको समझ पाना संभव नहीं है। हालांकि बोला गया है कि ये 1/4 अंश है,
एकपाद विभूति है भगवान की, त्रिपाद विभूति भगवान का आध्यात्मिक जगत है। लेकिन एकपाद विभूति बोला जा रहा है ऐसा लगता है कुछ ये सीमित आकार होगा, उसका एक चौथाई हिस्सा कर दिया, लेकिन ये अनंत है। एक चौथाई तो केवल हमें समझाने के लिए है, अनंत है ये, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितने ब्रह्मांड हैं, उसमें कितने ग्रह हैं, कितने जीव हैं, अनंत है। तो जब ये पूर्ण रूप से अनंत है तो कैसे हम जान सकते हैं? तो जिस श्रीमद् भागवतम के मुख्यतः 10 विषय बताए गए हैं, अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन मंत्र निशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रया। और ये पांचवां स्कंद मुख्यतः स्थान बताता है, तो स्थान के भी कई अर्थ बता सकते हैं, बताते हैं हमारे आचार्यगण। कई अर्थ ये है कि जीवात्मा का जो सही स्थान है वो भगवान कृष्ण के चरणों में है, और उस स्थान से वो जब विचलित होता है, च्युत होता है, तो उसके लिए इस भौतिक जगत में अलग अलग स्थान बताए गए हैं, अलग अलग ग्रह। और इस सारे सब विभूतियों को जान के हम अपना असली स्थान भी समझ सकते हैं कि हम हमारी स्थिति बहुत तुच्छ है इस पूरे संसार के आगे। तो इस संसार में इतना भौतिक जगत इतना विस्तारित है कि इसको अपनी सीमित बुद्धि मन और वाणी से समझना असंभव है। शिला प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक में थे और किसी शिष्य ने उनसे कहा कि प्रभुपाद ये हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो कैसे इस बात को समझें कि महाविष्णु श्वास लेते हैं तो कई ब्रह्मांड निकल जाते हैं, श्वास वापस लेते हैं तो महाप्रलय हो जाती है, ये कैसे समझ सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विद योर पपी ब्रेन, आपका छोटा सा जो दिमाग है उससे आप नहीं समझ सकते। एक बार प्रभुपाद की सेक्रेटरी थी गोविंद दासी माता जी, तो प्रभुपाद को प्रभुपाद उनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की तरफ उड़ते हैं और बीच में वो अंडा दे देते हैं और अंडा नीचे गिरते गिरते उसमें एक नया पक्षी निकल जाता है। तो गोविंद दास बोले हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभुपाद ने कहा यू आर स्टिल ए चाइल्ड इन योर इन द वूम्ब ऑफ योर मदर, है ना, अभी तो आप घर में पड़े एक बच्चे के समान हो, आप क्या समझ सकते हो क्या है? वास्तव में हम बिल्कुल नहीं जान सकते। जैसे कि समझ लीजिए एक दिल्ली के शहर का कोई मच्छर है ना, उसको क्या आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या क्या भारत अपने सैन्य रक्षा के लिए नए नए विमान ले रहा है, क्या क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ कुछ आइडिया है उसको? चाहे वो राष्ट्रपति भवन का ही मच्छर क्यों ना हो उसको कोई आइडिया नहीं होगा। वो हमारी स्थिति है, वो हमारी स्थिति है। हम केवल अटकलें लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है मच्छर भी अपने अटकलें लगाता होगा, ऐसा है वैसा है ये है वो है ना, कोई समस्या नहीं। जैसे प्रभाव धारण देते थे डॉक्टर फ्रॉक का, कोई कुछ आइडिया नहीं है। ये स्वीकार करना अपने अपना बहुत बड़ा अहंकार को नीचे करने वाली बात है, कैसे स्वीकार कर सकते? श्री भक्ति सिन्हा सेठ ठाकुर महाराज एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बहुत अहंकारी राजा था और बड़ा सनकी सा राजा था। अचानक उसको एक सनक चढ़ गई कि पूर्णमासी की रात को मुझे सूर्य देखना है, पूर्णिमा की रात को सूर्य देखना चाहता हूँ। अब उसके चमचे थे, बोले हम अपना क्यों नहीं, आपने ऐसी इच्छा की है तो जरूर पूरी करेंगे, आपको सूर्य दिखाएंगे और ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे पूरा जगत याद करेगा, उदाहरण स्थापित हो जाएगा, अभी आपको दिखाते हैं। लाओ भाई सारे अरेंजमेंट हो गए, जहाँ अपना देखना चाहते हैं पूर्णमासी की रात को सूर्य, तो एक बहुत बड़ी लालटेन लेकर आए, देखिए जहाँ अपना देखिए आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। किसी और चमचे ने बोला अरे ऐसे नहीं होगा, 10 करोड़ मोमबत्तियाँ इकट्ठी करो, पूरे राज्य में ऐलान करो जहाँ अपना सूर्य देखना चाहते हैं। सब 10 करोड़ मोमबत्तियाँ इकट्ठी हो गई, सब देख रहे हो पर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। फिर और आए बोले बोले आज को मालूम नहीं तकनीकी बहुत उन्नति हो गई है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, इनसे नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी लाओ कहीं से, बिजली का इंतजाम किया गया, बड़े बड़े बल्ब लगाए गए, दिखा रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। तो फिर एक समझदार व्यक्ति आते हैं, बोले जहाँ बना ऐसा नहीं होगा, सूर्य उदय होगा सुबह प्रातःकाल में और सूर्य की रोशनी की कृपा से ही आप सूर्य देख पाएंगे। तो भक्ति सिन्हा सेठ महाराज यही तात्पर्य देते हैं कि आजकल के वैज्ञानिक लोग और मानसिक अटकलें लगाने वाले लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं भगवान को जानने का, लेकिन भगवान को हम भगवान की कृपा से ही जान पाएंगे और कोई उपाय नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जान पाए,
हमारे सारे वैदिक ग्रंथ सारी श्रुतियों में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। भगवद गीता में जो कि सभी वैदिक शास्त्रों का सार है, भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को सुनाते हुए बताते हैं कैसे भगवान के भौतिक ऐश्वर्य, बोले कि आध्यात्मिक ऐश्वर्य तो बता ही नहीं सकते, चलो भौतिक ऐश्वर्य कुछ बताना शुरू करते हैं। तो वो कथा सुनाते हैं ब्रह्मा जी की कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारका में जाते हैं और द्वारपाल को बोलते हैं कि कृष्ण को बताइए ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल जाके कृष्ण को बोलते हैं ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। भगवान समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी किस भाव से आए हैं, अहंकार में, बोले ब्रह्मा जी आए हैं। बोले कौन से ब्रह्मा? द्वारपाल जाके पूछते हैं कौन से ब्रह्मा? बोले हैं कौन से ब्रह्मा, मेरे अलावा और कौन से ब्रह्मा हो सकते, मैं ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, चार कुमारों का पिता, बोलो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है अंदर आ जाओ। तो अंदर आते हैं तो भगवान वो प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उठते हैं तो भगवान पूछते हैं और कैसे आना हुआ? बोले ये तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा? तो कृष्ण सुनकर मुस्कुराए और भगवान ने अपनी योग माया से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। इनके तो चार मुख थे, आठ मुख, 12 मुख, 16 मुख, 20 मुख, 100,000, 10,000, लाख, करोड़ मुख वाले ब्रह्मा। ये ब्रह्मा देखकर हैरान हो गए। और ये जो ब्रह्मा जी हैं हमारे चार मुख वाले, ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके? ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। बोले समय के साथ हो सकता है दार्शनिक विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु गिन लें, हिम के बर्फ स्नो में जितने कण होते हैं उसको गिन लें, सूर्य नक्षत्र ग्रहों से निकलने वाली ज्योति के कणों को भी गिन लें, किंतु ऐसे विद्वानों में ऐसा कौन होगा जो कि आपके अनंत गुणों को गिन सके? इसके तात्पर्य में, इसकी टीका में विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कहते हैं कि हो सकता है इस संसार के विद्वानी साइंटिस्ट वगैरह लोग ना गिन सके, लेकिन शंकरशन जी ने गिन लिए कि परमाणु पृथ्वी पे कितने परमाणु हैं, सूर्य की रोशनी में कितने कण हैं, वो सब गिन लिए। इतने गिनने के बाद भी अपने हजार मुखों से वे भगवान के गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सके, अनंत काल से कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाए। ये बात तो छोड़ो, भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान अपना ऐश्वर्य खुद बताते हैं उद्धव जी को, और बताते हैं बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, सांख्या नाम परमाणु नाम कालेन क्रियते मम ना तथा में विभूति नाम सृजता अंडानी कोटिशा। बोले सांख्या नाम परमाणु नाम कालेन क्रियते मम, कि हो सकता है समय के साथ मैं सारे परमाणुओं को गिन लूं, भगवान कह रहे मैं गिन लूं, लेकिन जो मेरी विभूतियां हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में मैं उसको नहीं गिन सकता। भगवान खुद कह रहे हैं मैं अपने ऐश्वर्य को नहीं जान सकता, असीमित ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य भी नित्य विस्तार हो रहा है और भगवान का ज्ञान भी नित्य विस्तार हो रहा है। भगवान के ज्ञान में, भगवान के ऐश्वर्य में स्पृधा है, दोनों ही विस्तार हो रहे, एक्सपेंड हो रहे। तो कभी भी भगवान ये नहीं कहते कि मैं, मेरे कितने ऐश्वर्य अनंत है। जैसे संसार का बहुत धनी व्यक्ति हो, उसे पूछा आपके कितने बैंक अकाउंट है, पता ही नहीं कितने बैंक अकाउंट, कितना उसमें अमाउंट, कुछ पता नहीं, इतना असीमित ऐश्वर्य। इसलिए कृष्ण को जानना, उनके ऐश्वर्य को जानना लगभग असंभव। और ब्रह्मा जी फिर बाद में बिल्कुल जब थक जाते हैं तो बोलते हैं, जानंत एव जानंतु किम बहुवाक्या ने प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसे सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है वे मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से बाहर है, बिल्कुल बाहर, आउट ऑफ सिलेबस है, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह से एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमने देखा है तात्पर्य में, केन उपनिषद में आता है, तो बोलते हैं, यस्य अमतम तस्य मतम। जो ये कहे कि परम ब्रह्म के विषय में मेरा कोई अपना मत नहीं है, यस्य अमतम तस्य मतम, वही मत सही है, है ना। मतम यस्य न वेदसा, जो बोले कि परम ब्रह्म के विषय मेरा ये मत है ना वेदसा, वो कुछ नहीं जानता। अविज्ञातम विज्ञातम,
जो कहता कि मैं जानता हूं अविज्ञातम, वो कुछ नहीं जानता। विज्ञातम अविज्ञातम, जो कहता मैं कुछ नहीं जानता वो असल में जानता है। तो वास्तव में ये भगवान है और उनकी शक्ति है, हम कुछ नहीं इनके बारे में जान सकते, लेकिन फिर भी भगवान की बहिरंग शक्ति की प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आकर कितने ही लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं, है ना। हमें याद है 1996 में बहुत बड़ा एक प्रचार ऐसा हुआ था, एक साइंटिस्ट ने बोला कि बहुत जल्दी 2000 वर्ष तक या 2000 तक ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे, ह्यूमनॉइड्स है ना, रोबोट्स ऐसे आएंगे। बोले एक पुरुष ह्यूमनॉइड होंगे और स्त्री ह्यूमनॉइड होंगे, और दोनों को इकट्ठे रखेंगे तो बेबी ह्यूमनॉइड भी आ जाएगा। ऐसी ऐसी उनकी कल्पना थी, बस 4 वर्षों में होने वाला था, 1996 में उनका ये था भविष्यवाणी थी, तो अभी तक तो हुआ नहीं है। और प्रभुपाद जी भी बोलते थे, मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, प्रभु बोलते थे सारे साइंटिस्ट पोस्ट डेटी चेक देते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। बोले कब हो जाएगा, 300 मिलियन ईयर्स के बाद कब होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि केवल आज के आधुनिक विज्ञान से या फिर हम इन अटकलों से कुछ जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग साइंटिस्ट के विरोध करते हैं। जो साइंस शब्द है ये ग्रीक शब्द शियो से आया है, SIO शियो है ना, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि साइंटिस्ट का मतलब है जो सब कुछ जानता है। ठीक, बेचारा कुछ भी नहीं जानता, कैसे सब कुछ जान सकते हैं। एक छोटे से वायरस को तो जान नहीं पाए तो ब्रह्मांड को कैसे जान जाएंगे, आप सोचिए। हम अभी तक इतना हम मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, तथा कथित तरक्की, लेकिन अभी तक मेडिकल साइंस ये नहीं बता पाई कि शरीर में होता क्या क्या है। सारी अटकलें हैं, जितना एलोपैथी में टेस्टिंग वेस्टिंग है सब हिट एंड ट्राई है। पेशेंट को एक मशीन की तरह यूज़ किया जाता है, उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अलग अलग पैथी के अलग अलग वो है, नेचुरोपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, एलोपैथी, सब अलग अलग। कोई अच्छे ढंग से इस छोटे से शरीर को तो हम समझ नहीं पाए, इस शरीर को प्रभावित करने वाले छोटे से कीटाणुओं को, वायरस को समझ नहीं पाए, तो इस पूरे ब्रह्मांड का क्या कहना ना, एकदम हमारी समझ से परे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको हम क्रिटिसाइज़ करें। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इस माइक के द्वारा बोला जा रहा है, ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो रहा है, पिछले लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो साइंस का हम पूरा अच्छा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट लोग को भगवान की दृष्टि से देखा जाता है कि वो भगवान है, परम नियंता है, तो वो गलत है। भक्ति सिद्धांत सेठों को महाराज कहते थे, युक्त वैरागी का प्रिंसिपल देते हुए सर्प मूषक न्याय बोलते थे, है ना, कि जो सांप है अपना बिल कभी खुद नहीं बनाता, है ना, चूहा बिल बनाता है और सांप उसमें जाके रहता है। तो भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज कहते थे जितने वैज्ञानिक हैं उनको आविष्कार करने दो, प्रयोग कौन करेंगे, इस्तेमाल तो हम ही करेंगे। तो हमने इस्तेमाल करना है और इसको, इन सारे एडवांसमेंट्स का उपयोग करना है इस भगवान के प्रचार में, है ना। शिला प्रभुपाद एक बार विदेश में एयरपोर्ट पर उतरे तो प्रभुपाद से किसी ऐसे रिपोर्टर ने पूछना शुरू किया और प्रभुपाद ने साइंटिस्ट को बोलना शुरू किया, ये सब रास्कल्स हैं, ये हैं वो है। तो रिपोर्टर ने घुमा के प्रश्न पूछा कि अभी आप एरोप्लेन से आए हैं, बोले हाँ। बोले यही तो टेक्नोलॉजी का प्रमाण है, उसका ये तो आपने उपयोग किया, तो आपका एरोप्लेन के विषय में क्या कहना है। तो प्रभुपाद ने बोला दे आर यूजलेस। तो बोले फिर आपने उपयोग क्यों किया, टू मेक इट यूजफुल। ये यूजलेस हैं, इनका उपयोग करके हमने इसको यूजफुल किया। तो वास्तव में यही है, है ना, हमने किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करना, हमने तो उनको भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन उनको इतना भी महत्व नहीं देना कि उसको हम भगवान के स्तर में माने। हमें लगता नहीं हमारे में ऐसी बात नहीं है, लेकिन वस्तुतः क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि पहले आप ऑब्जर्व करो, फिर पहले एक्सपेरिमेंट करो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर कोई थ्योरी निकालो, बस ये है। यानी कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि जय श्री श्री राधा पार्थसारथी जी की जय, गौनिताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, ये हमें आधुनिक विज्ञान सिखाता है।
लेकिन ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। जैसे शीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से कैसे भगवान को जान सकते हैं, और अपूर्ण इंद्रियां, कोई बोले हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं लेकिन हम हमारे उपकरणों से, हम नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उससे हम देख लेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, उपकरण भी हैं, वो भी अपने अपूर्ण इंद्रियों से ही बनाए हैं, और उसका विश्लेषण भी अपने अपूर्ण मन से ही करेंगे, तो कैसे हम भगवान को जान सकते हैं या भगवान की प्रकृति को भी हम जान सकते हैं? लगभग पूर्ण रूप से असंभव है। तो कैसे इसको किया जाए, हम कुछ कहना जा रहे थे, भूल गए। हाँ यस, तो इतना हमारा जिस प्रकार से आधुनिक प्रशिक्षण है तो बहुत विश्वास उत्पन्न हो जाता है आधुनिक विज्ञान में, और एक अटैचमेंट सी हो जाती है। आत्म साक्षात्कार विज्ञान पुस्तक में प्रभुपाद बता रहे हैं 5 प्रकार की अटैचमेंट्स हैं जो हमें भौतिक चेतना से बांध के रखती हैं। पहली अटैचमेंट बताते हैं अपने आप को शरीर मानना, है ना। आत्मा के ज्ञान के ना होने के कारण हर अपने शरीर से बहुत आ सकते हैं। और दूसरा, इस शरीर से जुड़े हुए संबंधियों से, उनसे आ सकती है। और तीसरा, इस शरीर से जुड़े हमारे घर और हमारे साज सामान, हमारे व्हीकल्स, प्रोपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, उसके पेपर्स भी, बिजनेस पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपरों से भी हमारी बहुत आ सकती है। और चौथा बता रहे हैं भौतिक विज्ञान से आ सकती। और पांचवा है जो हमारी कुल की परंपराएं चल रही हैं पुरानी, उनको करने में, संस्कारों को करने में आ सकती। तो भौतिक विज्ञान से भी हमारी आ सकती है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे पुरुषोत्तम प्रभु, वो प्रभुपाद को मसाज कर रहे थे, और उस समय ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि वैज्ञानिक लोग चांद पे पहुंच गए हैं, और टीवी पे दिखा रहे थे कि चांद पे पहुंच रहे हैं व्यक्ति। प्रभुपाद ने साफ साफ इसका खंडन किया कि मनुष्य चांद पे नहीं पहुंच सकता इस तरीके से। तो जो पुरुषोत्तम प्रभु थे वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि ये हमारे गुरु जी हैं, पिछड़े देश से आए हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको क्या मालूम कितनी तरक्की कर ली है साइंस ने, है ना। और वो इस्कॉन छोड़कर चले गए कि ये क्या है। कई बारी अपने भौतिक विज्ञान में हमारी इतनी आसक्ति होती है कि हम शास्त्रों के तथ्यों को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे ढंग से जानना चाहिए। और ऐसा एक भ्रम से उत्पन्न हो जाता है इस भौतिक विज्ञान का सहारा लेके। आप देखिए ना, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब हम किसी के घर में गए तो घर वाले भक्ति थे, वो बातचीत करते बोलते एलेक्सा कीर्तन करो, वो एलेक्सा एक छोटा सा गूगल का यंत्र है, वो कीर्तन शुरू हो गया। घबरा के मैं कहें कहाँ से भूत बोलने लगे एकदम, कोई है नहीं, एलेक्सा कीर्तन बेलान, और कीर्तन बेला शुरू हो गया। एलेक्सा टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बता दिया उसने। तो कैसे नहीं लगेगा हम इंजॉयर हैं, कंट्रोलर हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम हो रहा है एकदम। आप लेकिन जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दी है उसकी कितनी इंटेलिजेंस है, जिसने क्रिएट किया उसको बुद्धि किसने दी है, भगवान ने बुद्धि दी है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक प्रकृति इतनी विस्तृत है इसको जान पाना संभव नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रकृति तो भूल जाएं। आध्यात्मिक प्रकृति कैसे, कि वहाँ सारे कल्पवृक्ष हैं, हर चीज़ चिन्मय है, ये कैसे जान सकते हैं वहाँ पर। नो, आप पेड़ के नीचे गए, बोलो ये इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी होगी, कैसे संभव है ना। हम लोग जब बचपन में थे, टीवी पे एक सीरियल आया करता था स्टार ट्रैक, है ना, उसमें दिखाते थे एक स्पेस शिप है, जहाँ जा सकती है नो वन कैन रीच, वहाँ एक पहुँच गई ऊपर के ब्रह्मांडों में, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग वहाँ पे कल्चर है, क्या है। तो अगर कोई ब्रह्म संहिता जैसे ग्रंथ पढ़ लेगा वो असली साइंटिफिक फिक्शन लिख सकता है, क्या है ये, पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बताया गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में वो केवल फिक्शन नहीं है, ये सच्चाई है। तो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जब इस भौतिक प्रकृति को नहीं समझ सकते तो आध्यात्मिक प्रकृति को कैसे समझेंगे। परा तस्मा तो भाव अन्य व्यक्त अव्यक्ता सनातना, ये तो इससे भी परे है, जो व्यक्त है जो अव्यक्त है उससे भी परे। ये काफी कुछ भौतिक प्रकृति तो अव्यक्त है, कुछ व्यक्त है कुछ अव्यक्त है, इस व्यक्त और अव्यक्त से परे एक और आध्यात्मिक प्रकृति है जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सनातन है, उसको भी जान पाना कठिन है। और इनके स्वामी कृष्ण को जान पाना कितना कठिन होगा,
इसी प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। शिला प्रभुपाद जब अपने अंत्य लीला में थे तो तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी डायरी में लिख रहे हैं, तो 9 अक्टूबर 1977 प्रभुपाद ने हंसदूत स्वामी को बुलाया और बोला कि अब ब्रह्म संहिता गाइए। और ब्रह्म संहिता में जब 5वां श्लोक आता है, 33 नंबर का श्लोक, तो प्रभुपाद को उनका फेवरेट श्लोक था ब्रह्म संहिता में, ये अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रभुपाद उस समय ब्रह्म संहिता सुनते थे, हरि नाम और यशोमती नंदन भजन, इन तीन का श्रवण लगातार करते थे। तो वास्तव में भगवान के भी अनंत रूप हैं जिनको हम जान नहीं सकते, और केवल एकमात्र, आगे प्रभुपाद अंत में लिख रहे हैं लाइन में, अतः हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक पुरुषों द्वारा कथित वैदिक स्तोत्रों से उपलब्ध जानकारी से ही संतुष्ट होना चाहिए। तो जो हमें प्रमाणिक स्तोत्रों से, गुरु परंपरा से प्राप्त हो रही है जानकारी, उसी में संतुष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है, संतुष्ट होने का मतलब ये है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं करने चाहिए, और कोई छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें प्रमाणिक ग्रंथों से प्राप्त हो रहा है उसको उसी जानकारी को बहुत ही विनम्रता के साथ श्रवण करके इसमें संतुष्ट रहना चाहिए, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो आज के से आधुनिक विज्ञान के द्वारा बताया गया है कि वो सूर्य को एक नक्षत्र मानते हैं और बोलते हैं इस ब्रह्मांड में कई सूर्य हैं। नहीं, प्रभुपाद बता रहे कि ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है, और जितने भी ये नक्षत्र हैं वो वास्तव में चांद है, जैसे भगवान भी कहते हैं नक्षत्राणाम शशियमि, कि सभी नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ, लेकिन जो सूर्य है ये ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, और सूर्य के प्रकाश को सभी तारे नक्षत्र रिफ्लेक्ट करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश इस भौतिक जगत में आता है, लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल आधुनिक विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। आधुनिक विज्ञान में बताया जाता है कि सूर्य केंद्र में है और सारे जो ग्रह हैं वो उसको ऑर्बिट में चल रहे हैं, लेकिन वैदिक शास्त्रों में वो जियोसेंट्रिक है कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है। तो अभी आज के विज्ञान इस बात को नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये प्रमाणिक पुरुषों द्वारा प्राप्त है तो उसको हमें जानना चाहिए। और शिला प्रभुपाद भागवतम के 6वें स्कंद में लिख रहे हैं कि अगर हमारा प्रोसेस उतना सिंपल है, हम केवल श्रवण करें और गौ निताई के सामने खूब नाचें, संकीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रभुपाद कह रहे सारा ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाएगा। इस संकीर्तन इतना पावरफुल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम कुछ शास्त्रों को पढ़े ना, भक्ति वेदांत, भक्ति भी और वेदांत भी, यानी कि पूर्ण रूप से हमने संकीर्तन भाग आंदोलन में भाग भी लेना है, लेकिन जो प्रभुपाद ने ग्रंथ दिए हैं उनको भी बहुत गहराई से हमने ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करना है, ताकि हम जान पाएं कि भगवान का ऐश्वर्य कितना असीमित है, और ये असीमित ऐश्वर्य भगवान अपनी भक्त वत्सलता के कारण हम पे कितनी कृपा करने के लिए हरिनाम के रूप में प्रकट हुए, अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए, शास्त्रों के रूप में प्रकट हुए, गुरु के रूप में प्रकट हुए, तो हम फिर इनकी महिमा को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और फिर नम्रता से हम इनकी अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट्स है, क्वेश्चन? यस माता जी। Yes. हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी आप गुरु महाराज के बहुत सरेंडर शिष्य हैं और आपके ऊपर गुरु महाराज
आज के प्रोग्राम की बहुत असीम कृपा है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जिसको मैं एक स्टेटमेंट के साथ तो समझना चाहती हूँ कि जैसे आपने भगवान के बारे में बताया तो ऐसे ही गुरु माता जी का प्रश्न है कि आप जैसे भगवान की महिमा अनंत है तो प्रमाणिक गुरु की महिमा भी अनंत है, और लेकिन हम किसी अपने काउंसलर के निरीक्षण में सेवा कर रहे हैं और कई बार काउंसलर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो गुरु के इंस्ट्रक्शंस के मैच नहीं करते, तो कैसे हम अपने सीनियर से डील करें कि गुरु तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये हो जाता है, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक साधक को गुरु से और अपने मेंटर से बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों के इंस्ट्रक्शन में कुछ विरोधाभास है तो आप अपने काउंसलर के पास जाके साफ साफ बताइए कि गुरु महाराज ने ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और जब गुरु महाराज भी कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हों तो उनको भी बताइए साफ साफ कि मैं काउंसलर के साथ अंडर हूँ, मुझे उन्होंने ऐसा बताया हुआ है। कई बार हमारी तरफ से पूर्ण रूप से कम्युनिकेशन नहीं किया जाता तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है। और ये मानना भी कि गुरु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं ये भी ठीक नहीं है। गुरु जीव तत्व हैं, कि परमात्मा ही सब कुछ जानते हैं। हाँ, गुरु चाहें तो परमात्मा की कृपा से जान सकते हैं, लेकिन ये हम एज्यूम कर लें कि गुरु सब कुछ जानते हैं, गुरु देखो मैं मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए मेरे मन की क्या बात है, गुरु ने ऐसा देखा वो जान गए ऐसा हुआ, नहीं हम ये एज्यूमशन नहीं कर सकते। हमें सब कुछ बताना चाहिए गुरु को कि ऐसा ऐसा है। अगर गुरु को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उनको बताइए कि अभी मेरी फ़िलहाल ये सेवा चल रही है, मुझे ये सेवा बताई गई है। कई बारी अपनी बात बताते नहीं और गुरु की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होती है, वो हो सकता है एक वो जनरल सी इंस्ट्रक्शन हो या जो किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, मेंटर ने हमें क्या बताया हुआ है, सब कुछ बताना चाहिए, तब जाके बात स्पष्ट होती है। कुछ एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, राइट? ठीक है, और कुछ? ठीक, हाँ, बहुत प्रमाणिक रूप से हमें उसमें टाइमिंग्स भी मिल जाते हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, तो उसका मतलब ये कि वो परफेक्ट है, पर फिर से इस तरह से शायद सत्य है ये कि राहु जो है वो एक कहते हैं और वो खाता है सूर्य को या तो हाँ है ना तो सारा वर्णन है, तभी सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तभी है। तो क्योंकि विशेष बात क्या है कि जो आधुनिक शिक्षा है वो पूरी इम्पर्सनल है, और जो वैदिक शिक्षा है पूरी पर्सनल है। हर एक ग्रह के पीछे उसका एक पर्सनैलिटी है। ये बात कहेंगे तो उनको लगेगा ये तो ड्रामे वाली बात है, एक एक माइथोलॉजी है, सूर्यदेव चंद्रदेव ये पर्सनैलिटीज़ हैं, पर्सनैलिटी कैसे हैं? हालांकि जैसे मैं मतलब एलेक्सा को एक पर्सनैलिटी मान रहे हैं उसका नाम क्यों दिया एलेक्सा आपने, कुछ भी बोल देते थे हवा में, बोल दो कीर्तन किसी को तो बोल रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, तो वहाँ वो पर्सनैलिटी मान रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव की पर्सनैलिटी या राहु एक पर्सनैलिटी वो नहीं मानेंगे। तो ये सारा यहीं से पूरा जो हमारा रूट है, जो एजुकेशन सिस्टम जो हमें एकदम
एकदम अंदर घुसा दिया है, सब कुछ इम्पर्सनल है, सब पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, तो उससे वो निकल पाना बहुत मुश्किल है और ये हमारे को आगे बढ़ने से रोकता है पूर्ण रूप से शरणागत होने में, है ना। तो ये सारी पर्सनैलिटीज हैं, ऊपर युद्ध होता है, ये सब होता है, ठीक है। यस मोहन लाल, प्रभु जी कह रहे हैं कि साइंस हमें सपोर्ट कर सकती है भगवान और भगवान की शक्ति को समझने के लिए, तो ये साइंस का आधुनिक विज्ञान का सही उपयोग है और कई साइंटिस्ट ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन उसका उसको लेके भगवतहीनता को स्थापित करना, भगवान के अस्तित्व का खंडन करना, ये आसुरी स्वभाव है। यस, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नेताय गौर प्रेमानंदे।